हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी ना देखिए सुबह सुबह का टाइम है और रात भर से यहाँ पर फिर से बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी और लगी हुई है। सुबह हो गया है और अभी भी देखिए बारिश जो है ना हो रही थी। तो अभी एक दो दिन खुल गया था मौसम, लेकिन वैसा नहीं खुला था कि अच्छी धूप निकली हो और दोबारा से फिर से जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो गई। अभी ऐसा लग रहा था जब मौसम खुल गया था ना कि जैसे कि अब बारिश ना अब नहीं होगी, अब ऐसे ही हो गई है थोड़ी सी, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई। इतना ज़्यादा मतलब है ना बेकार मौसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे कि बिल्कुल बारिश ही आ गई है। और ऐसे मौसम में एकदम घर ना कि बिल्कुल गीला और किचकिच होने लगता है और कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जिमिर 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 ऐसे ही लगा हुआ था। तो सबसे पहले उठी ना तो उतनी ठंड भी नहीं थी, जैसे कि बारिश अभी हो रही है ना तो ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। ठंड क्योंकि है ना अभी जब मौसम एकदम से खुलेगा ना तब ना बहुत ज़्यादा ठंड का जो है ना एहसास होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ किचन में। और कल की जो हालत थी, कल रात को मैंने मतलब अभी मैं आप लोगों को अपनी किचन की हालत आप लोग देख रहे होंगे, बर्तनों से पूरा सिंक जो है ना बर्तनों से भरा हुआ है। क्योंकि मैंने बताया था कभी कभी है ना हो जाता है मेरे साथ भी ऐसा। तो जिस दिन ना मतलब बारिश हो रही थी इस वजह से मैंने बर्तन नहीं धोए थे, वरना काम हो ही जाता है पूरा, बाहर ही कर लेती हूँ। तो फिर ना मन नहीं हुआ रात को ना, फिर बारिश हो रही थी तो इस वजह से पूरा बर्तन जो है ना वो रख दिए थे, ना ही किचन साफ करी ठीक से, और बस खाए पिए और हम लोग ना फिर सो गए थे। तो मैंने कोई काम नहीं किया था, बस ऐसे ही काउंटर टॉप जो है ना वही साफ कर दिया था ठीक से, और बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिए थे यहीं पर भर के। मुझे इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था किचन, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो सबसे पहले उठ के ना मैंने सोचा चलो किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो चाय बनाएंगे। और अभी फटाफट से सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, तब जाके ना थोड़ा सा जो है शांति मिलेगी। क्योंकि है ना देख देख के ना बिल्कुल एकदम दिमाग जो है ना वो भी काम नहीं करता, इतना किचन को गंदा। और फिर मेरा मन नहीं लगता, मैं सही बताऊँ ना तो मन भी नहीं लगता है कि मैं चाय चढ़ा दूँ ऐसे में। क्योंकि एक तो तुरंत से भी ना होता है, किसी किसी की इच्छा होती है कि जैसे सीधे मुँह हाथ धो के आओ ना तो चाय पीने की इच्छा होती है, तो ऐसे ही मेरी होती है। तो मैंने सोचा अभी चढ़ा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं पहले यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और देखिए चावल वावल गिर गए थे, तो बर्तन मैं निकाल रही थी ना तो उसी के कारण ना सारे गिर गया था। तो देखिए किचन वगैरह मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर दी है, साफ़ कर दी है। और बस अब यहाँ पर मैंने ना जो जो मुझे चीज़ चाहिए है खाने के लिए नाश्ते के लिए, तो वो चीज़ें मैं बाहर निकाल कर रख लूँगी। और सब चीज़ मुझे फ्रिज में भर भर के रखना पड़ता है, और सब्जियां भी, क्योंकि मेरे घर में ना अभी एक दो चूहे से नज़र आ रहे हैं। चूहे नहीं है वो घूस हैं, चूहे तो है ही नहीं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो उनके कारण ना मुझे सामान को लुका लुका कर रखना पड़ रहा है, पता नहीं कब तक ऐसे चलता रहेगा। तो पर मैं रख देती हूँ, क्या करूँ, नहीं तो पता चला सारा ना नुकसान ही कर दें। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है वो निकाल ली हैं, मतलब जो जो नाश्ता मुझे बनाना है उसके लिए मैं चीज़ें यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता क्योंकि अभी है ना कार्तिक का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बना दे रही हूँ। आज खाना नहीं बना पाऊँगी अभी, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा,
बारिश के कारण ना तो दिक्कत हो गई थी कि सुबह थोड़ा सा लेट ही मैं किचन में आ पाई, और यहाँ पर टाइम भी लग गया क्योंकि तो बर्तन भी पड़े थे, किचन भी है जो साफ़ नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा लेट ही हो गया। तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देते हैं। तो मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा में मतलब बहुत सारी सब्जियां है ना भर भर के डालूंगी, काफ़ी अच्छा पोहा जो है ना बनता है ये, और इतनी अच्छी सब्जियां सारी कुछ डाल के बनाओ तो और हेल्दी भी हो जाता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर प्याज जो है ना छील रही हूँ। हमारे यहाँ ना प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि है ना मेरे घर में एक चीज़ आई हुई है तो उसी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना देखिए पोहा बनाना पहले स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने पोहा में डालने के लिए प्याज और हरी मिर्च, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने मटर लिया है, और ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा गाजर, ये सारी सब्जियां जो है ना मैं डाल के और बनाऊंगी। और साथ के साथ मैंने चाय है ना वो चढ़ा दी है, तो मेरी चाय भी बन जाएगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू आते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने ये है ना मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, आलू मैंने कच्चे वाले नहीं लिए हैं। सबसे पहले मैंने ये प्याज और गाजर और ये मटर मैंने भून ली थी, और आलू तो उबले हुए थे, तो मैंने सोचा इनको साइड में इस तरीके से करके और फिर उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी, तो ये भी थोड़े से सिक जाएंगे आलू जो है। तो देखिए मैंने सब्जियों को साइड में कर लिया है, और अभी मैं इनको बस अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बहुत सारी सब्जियाँ हो गई थी तो मैंने सारी सब्जियों को देखिए डाल लिया है, जो जो चीज़ मेरे पास थी। तो बहुत अच्छा पोहा बन के तैयार हुआ था, सारी चीज़ें डालो इतनी सारी तो सब्जियों से भरपूर। और अब मैंने जाके कार्तिक को उठाया था जब मेरा नाश्ता जो है बनने को हो गया था, क्योंकि फिर मैंने उसको उठा दिया है। तो आधा घंटा पहले मैंने उठाया था, उठ तो जाता जल्दी लेकिन फिर मैंने नहीं उठाया क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो कोई मतलब नहीं था कि करता क्या, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा लेट करके ही उठाया। और अभी उठा दिया है तो वो अपना रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर उसका नाश्ता जो है ना तैयार कर दे रही हूँ। आज ना मैंने थोड़ा सा इसमें एक चीज़ डाला है, अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने ये शक्कर डाली है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा वो हल्का सा एकदम खट्टा मीठा सा बनता है ना, उस तरीके का मैंने सोचा कि बनाऊं, लेकिन हम नींबू तो डाल ही नहीं पाए, नींबू तो मैं डाल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने शक्कर बस डाल दी और हरी मिर्च तो डाली थी। तो मीठा तीखा सा जो है ना पोहा वो बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पर कार्तिक जो है ना वो बैठ गया टेबल पे, तो मैं फटाफट से उसको जो है पोहा दे देती हूँ, नाश्ता तो वो कर लेगा। और देखिए यहाँ पर मेरी चाय जो है ना वो पक रही है, जब तक मैंने कहा नाश्ता दे दिया है, थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर रहा है क्योंकि उस बहुत ज़्यादा टफ वाला उसका एग्ज़ाम है हिंदी का, तो संस्कृत का कह रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन लगता है उसको ये हिंदी और संस्कृत वाला जो पेपर है ना,
वो दोनों बहुत ज़्यादा कठिन है, तो इसीलिए वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी कर रहा है। तो कल भी उसने पढ़ा था रात को, और ट्यूशन से भी पढ़ के आया था, और अभी भी सुबह है ना वो पढ़ाई कर रहा है। तो थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, मतलब आधे घंटे बाद तो मैंने उठाई थी, लेकिन ये है कि उसने फिर और भी पढ़ा था। तो फ्रेंड्स ये हो गया है दोपहर का टाइम, तो मैं इन्हीं की बात कर रही थी। ये जो इतने सारे आप लोग मटर देख रहे हो ना, कम से कम अगर नहीं होंगे तो ये बिना छिले वाले 5 किलो करीब मटर होंगे, 5-6 किलो। ये आधा सूप में है और आधा ये नीचे यहाँ पर डले थे, आधे मैंने छील लिए हैं। तब मेरे मतलब हस्बैंड भी आ गए थे, तो ये करवाने लगे जल्दी जल्दी। और पलंग पे आप लोग देख रहे होंगे, अगर नज़र जा रही होगी तो इतने इनसे ज़्यादा वहाँ पर डले हुए हैं, इनसे ज़्यादा। तो ये बिना छिले कम से कम 5 किलो थे, और वो तो छिले वाले हैं, कम से कम 3-4 किलो मटर थे। इतने सारे मटर कहाँ से आए हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये मटर मेरे मायके से आए हैं। मेरे पापा ने पता नहीं गए थे कहीं काम से, तो उनको है ना बहुत ज़्यादा इतना सस्ता जो है ना पूरा बोरा का बोरा, जो एक बोरा होता है ना पूरा, क्या बोलते उसको, क्विंटल के हिसाब से, क्विंटल बोलते कि क्या, मैं भी क्या बोल रही पता नहीं। तो उनको पूरा जो है ना एक बोरा भर के वो ने इतना सस्ता मिला था ना, इतना ज़्यादा सस्ता कि हमें, हम 2-3 किलो भी लाते ना तो भी हमें उतने रुपए में नहीं मिलता जितने में ये पूरा बोरा मिल गया था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा मारा फिर बिक रहा है ये मटर जो है ना, क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब है ना कि इसके कारण जो है ना इसके छिलके बहुत जल्दी गल गए थे, तो इसलिए ये बोरों में रखे ना ख़राब हो रहा है, बिक रहा है। और हमारी साइड लेकिन थोड़ा सा महंगा था, मेरे ससुराल तरफ, लेकिन मायके में बता रही थी मम्मी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई ख़रीद नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत सॉरी सस्ता है। तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर इसका रेट जो है ना गिरा हुआ है, और इसका रेट तो गिरा है और प्याज का बहुत ज़्यादा महंगा है, तो प्याज कम आ रही है। तो देखिए बस छिल गए हैं पूरे एक को ऊपर भर के ये जो है मटर है, और यहाँ पर ये है, तो मैंने थोड़ा सा फैला दिया है ताकि इनकी नमी जो है ना वो निकल जाए। तो इनको मैं अच्छे से जो है ना छील के साफ़ करके और इनको फ्रोजन करके रख लूँगी ताकि ये आराम से चल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मटर जो है ना ये मैंने यहाँ पर छिल गए हैं, और ये फैलाए हुए हैं, ये भी अच्छे से सूख गए हैं, मॉइस्ट जो है ना नहीं है अब इनका। अब मैं इनको बस हल्का सा जो है ना वो करके, जैसे प्रोसेस होती है रखने की फ्रोजन करके, वैसा करके मैं रख दूंगी। और यहाँ पर मेरा खाना जो है ना वो बन गया था दोपहर का, तो आज सारा कुछ जो है वो मटर से ही बन रहा है, और कल से बन रहा है मटर। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूड़ी भी जो है ना वो उसी की बनाई है, मटर पीस के और डाल के पूड़ी बनाई है। थोड़ा सा मटर वाला और चावल रखा था रात का, तो मटर डाल के मैंने चावल भी जो है वो बना दिया है। और आज मैंने मटर की जो दाल है ना ये बनाई है, सब्जी थोड़ी सी थिक है, तो सारे मसाले वगैरह डाल के पीस के और इस तरीके से मैंने दाल जो है ना बनाई है। तो थोड़ी थिक दिख रही होगी, मैंने ऐसे ही रखी हुई है, थोड़ी सी पतली बनती है ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट और भी अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैं थाली जो है ना वो लगा रही हूँ बस हस्बैंड के लिए, और फिर मैं भी खाऊंगी खाना। और चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।